माँ के लिए गर्भ अवस्था और डिलीवरी का समय जितना महत्वपूर्ण होता है, उसके साथ साथ डिलीवरी के बाद का समय और ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान महिलाओं को अपनी सेहत के साथ साथ नवजात बच्चे का भी विशेष ख्याल रखना होता है। डिलीवरी के बाद माँ बच्चे को स्तनपान भी कराती है, तो ऐसे में माँ की डाइट से शिशु के सेहत पर भी असर पड़ता है। इसको लेकर राजधानी रायपुर की प्रसिद्ध डाइटिशियन डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव ने कुछ जरूरी टिप्स दिए हैं। उनका कहना है कि माँ का खान पान बच्चे के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। सामान्य तौर पर ये भ्रामक लोगों तक ये जानकारी रहती है कि डिलीवरी के बाद बच्चे की माता को बिल्कुल खट्टी खाने से परहेज करना है, लेकिन सभी माताओं के लिए लागू नहीं होता है। दरअसल डिलीवरी भी दो प्रकार की होती है और अलग अलग डिलीवरी में अलग अलग प्रकार के खान पान का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। प्रतिदिन के खान पान में 450 कैलोरी उन्हें डाइट में अतिरिक्त सम्मिलित करना होता है। इसके अलावा डाइटिशियन डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव क्या कुछ कहती हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। डिलीवरी के बाद लेकर जब बच्चों की मदर की जो डाइट होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नॉर्मली हमें ये कंफ्यूजन होता है कि यदि जो मदर हैं जिन्होंने बेबी डिलीवर किया उनको जो है बिल्कुल खट्टी ठंडी चीज़ों से परहेज करना चाहिए, तो ये मैं ये आपको सलाह देना चाहूँगी कि दो प्रकार की डिलीवरी होती है, एक होती नॉर्मल, दूसरी होती सी सेक्शन जिसे हम लोग LSCS के रूप में जानते हैं। तो दोनों ही डिलीवरी के बाद में माँ का खान पान बहुत अच्छा ज़रूरी होता है। जितनी जो उनकी उसमें कम से कम 450 कैलोरी जो है प्रतिदिन की डाइट में उनकी सम्मिलित करना ज़रूरी होता है, क्योंकि पहली बात वो फीडिंग मदर होती हैं तो उनकी 600 कैलोरी जो है वो बच्चे को फीड कराने में जाती, तो उनकी डाइट में हमें वही सारी चीज़ें सम्मिलित करनी है। जैसे चौथे दिन के पाँचवें दिन के बाद से वो दूध ले सकते हैं, दही का सेवन आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आप दूसरे दिन से कर सकते हैं क्योंकि सबसे अच्छा प्रोबायोटिक होता है। आप अजवाइन का पानी यदि देते हैं तो किसी तरीके से डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज नहीं होते। डिलीवरी यदि सीजर हो रही है तो सातवें दिन से आप ड्राई फ्रूट्स और 15 दिन के बाद से लड्डू को आप अपनी डाइट में सम्मिलित करेंगे। ड्राई फ्रूट्स लेंगे, नॉनवेज खाते हैं तो 7 दिन के बाद से एग, 15 दिन के बाद से चिकन फिश खा सकते हैं। दूध आपकी डाइट में जो है डेयरी प्रोडक्ट्स को ज़रूर से सम्मिलित करना है। प्रोटीन जो है कम से कम जो है 21 ग्राम प्रोटीन जो है ये एक्स्ट्रा लेना उस समय बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ में आपको 3 मील्स कभी भी स्किप नहीं करने हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। बीच बीच में जो है हर 2-2 घंटे में आपको मील्स लेते रहने हैं। दूध को ज़रूर सम्मिलित करना है। मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए को यदि मिल्क प्रोडक्शन कम है तो आप शतावरी को अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे। ड्राई फ्रूट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। ऐसी कोई चीज़ें मत लीजिए जिससे कि आपके बच्चे को और आपको गैस हो। जितने भी जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, सोयाबीन जैसी चीज़ों को अपनी डाइट में सम्मिलित मत करिए। फास्ट फूड, जंक फूड, चाइनीज़ फूड को कम से कम आपको 1 महीने के लिए तौबा कर लेना चाहिए। इसके अलावा आपको अपनी डाइट में जो है डेयरी प्रोडक्ट्स को सम्मिलित करना है। दही, टमाटर, नींबू जैसी चीज़ों को सम्मिलित करेंगे, बट अचार और इमली इस समय आपने नहीं लेने हैं। हरी पत्तेदार सब्जी, मौसमी सब्जी, सीड्स में फ्लैक्स सीड, सनफ्लावर सीड्स एंड पम्पकिन सीड्स को ज़रूर अपनी डाइट में सम्मिलित करिए। यदि आपको आयरन की कमी है तो मोरिंगा पाउडर, करेला, मुनगा जैसी चीज़ें आप अपनी डाइट में सम्मिलित करिए। हरी सब्जियां, मौसमी सब्जियां ज़रूर से अपनी डाइट में सम्मिलित करें, तो आपका बच्चा भी हेल्दी रहेगा और आप भी जो है बहुत आसानी से रिकूप कर पाएंगे। डिलीवरी के